सुनिए। हाँ बोलिए। मेरा नाम अमित है, क्या आप मेरे को मदद कर सकते हैं? क्या हुआ? दरअसल मैं गांव से आया हूँ काम की तलाश में, पर मैं थोड़ा लेट पहुँचा तो उन्होंने किसी और को काम पर रख लिया। काम नहीं मिला तो पैसे भी नहीं मिले, और अब मेरे पास पैसे नहीं है वापस गांव जाने के लिए। तो अगर आप कुछ पैसे दे देते तो आपकी बड़ी मेहरबानी। मेरे पास फिलहाल कितने? ये 50 रुपये, ये आप रख लीजिए। ये 50 रुपये देने के लिए आपका शुक्रिया, पर मेरा गांव थोड़ा दूर है, तो अगर हो सके तो 200 या 300 रुपये दे दीजिए। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, मैं आपको वापस लौटा दूंगा प्लीज। मेरे पास फिलहाल इतने ही है। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, ये पैसे देने के लिए आपका शुक्रिया। कोई बात नहीं। साला सिर्फ 50 रुपये? साला आजकल के जमाने में कौन सिर्फ 50 रुपये रखता है? इतने में तो देसी दारू की थैले भी नहीं आती। लगता है कोई दूसरा बकरा ढूंढना पड़ेगा। अरे यार, अरे यार, कितनी देर कर दी आने में। पता है तुझे मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था? पता है साले, तू मेरा नहीं दारू का इंतजार कर रहा था। रोना बंद कर, दारू निकाल। पता है आज मेरे साथ एक अजीब किस्सा हुआ। अच्छा? हाँ, वो शास्त्री नगर के पीछे वाला रोड नहीं है, वहाँ पर एक बकरा दिखा। मैंने उससे पैसे मांगे तो साले के वॉलेट में सिर्फ 50 रुपये थे। क्या, सिर्फ 50 रुपये? हाँ बे साला, आजकल के ज़माने में कौन सिर्फ 50 रुपये रखता है अपने वॉलेट में? हम लोगों से मांग के खाते हैं, फिर भी अपनी वॉलेट में 50 से ज़्यादा होता है। सही कहा। पैसों से याद आया, अरे सुनती हो, आज तो तुम्हारी पगार होने वाली थी ना, पैसे नहीं दिए तुमने मुझे, या फिर पिछली बार की तरह इस बार भी पैसे अपने पास ही रखने का इरादा है क्या? याद है ना उस दिन मैंने तुम्हारा क्या हाल किया था? तेरी मम्मी कहाँ है? बर्तन धो रही है। अच्छा ठीक है, जा। ए सुन सुन, इधर आ। आज तो तुम्हारा रिजल्ट था ना? हाँ। तो क्या हुआ, पास के फेल? पास हो गया, 93% आए। वाह शाबाश बेटे, शाबाश। तू मेरा नाम रोशन जरूर करेगा, बस इसी तरह मेहनत करते रहना। हाँ, अपने बाप की तरह मत बनना। जा सो जा। देखा मेरा बेटा? वाह सच में बड़ा होशियार है। हाँ तो अपने बाप पे गया है, तेरे जैसे नहीं बेवकूफ। चुप साला।
बचपन में मैं भी पढ़ाई में बहुत होशियार था। मुझे पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन मेरा बाप रोज पीकर आता और मारता मुझे, मुझसे काम करवाता। ये दारू की लत भी उसी ने मुझे लगाई। फिर ये दारू ने मुझे ऐसा पकड़ा कि सब पीछे छूट गया, पढ़ाई भी और बचपन भी। सुन, इसलिए मैं अपने बेटे को नहीं, सिर्फ अपनी बीवी को मारता हूं। नहीं सुधरेगा। क्या भाई, कितने की कमाई हुई आज? अरे यार, कोई बकरा मिला ही नहीं, क्या खाक कमाई होगी। क्या बात कर रहा है यार? हाँ यार, एक बात बता, तू अभी है कहाँ? अरे वो शास्त्री नगर के पीछे वाला रोड है ना, उधर ही खड़ा हूँ। अबे दो दिन पहले तो तू गया था वहाँ, आज फिर से? हाँ पता है मुझे, पर क्या करता, कोई बकरा मिला ही नहीं तो मैंने सोचा शायद यहाँ से मिल जाए, कमाई तो करनी पड़ेगी ना यार। तू जानता है ना, हम जिस इलाके में एक बार हाथ मारते हैं वहाँ दोबारा गलती से भी कदम नहीं रखते, पकड़े जाने का डर रहता है यार। हाँ यार पता है मुझे। अच्छा चल, मैं तुझे बाद में कॉल करता हूँ, लगता है कोई बकरा आ रहा है। हाँ चल चल चल, रखता हूँ। सुन सुन सुन, हेलो, ये मरवा के रहेगा यार। सुनिए, क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? जी, क्या हुआ? दरअसल मैं गांव से काम की तलाश में यहाँ पर आया था, पर मैं थोड़ा लेट पहुँचा तो उन्होंने किसी और को काम पर रख लिया, और अब मेरे पास पैसे भी नहीं है वापस गांव जाने के लिए। मैंने उनसे मांगे पर उन्होंने मुझे दिए नहीं, तो क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते ताकि मैं गांव जा सकूं? आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आज फिर लेट पहुँचे, 200-300 तो नहीं है, 50 रुपए है, चलेगा? वैसे रोज रोज लेट पहुंचना अच्छी बात नहीं है, समय की कदर करोगे समय तुम्हारी कदर करेगा। क्या हुआ, कमाई हुई कि नहीं? क्या हुआ, किस सोच में पड़ गया भाई? कुछ नहीं यार। तू परेशान लग रहा है, फोन में तो बोल रहा था बकरा आ रहा है बकरा आ रहा है, तो क्या हुआ, कमाई हुई कि नहीं? तुझे पता है वो बकरा कौन था? कौन? अरे उस दिन नहीं मिला था, तुझे बताया था ना मैंने, अरे जिसके वॉलेट में सिर्फ 50 रुपए थे। क्या? मैंने तुझे बोला था कि जिस इलाके में हम एक बार हाथ मारते हैं ना वहां दोबारा नहीं जाते, पर तू गया, तू गया। एक मिनट, उसने तुझे पहचाना तो नहीं ना? पहचान लिया और पैसे भी दिए। क्या, पहचान भी लिया और पैसे भी दिए? तू सच बोल रहा था, सच में वो बेवकूफ है यार? बेवकूफ नहीं था वो, मुझे पहचानने के बावजूद उसने मुझे पैसे दिए, कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है?
अरे यार मैंने बोला ना वो अच्छा नहीं बेवकूफ है। तू बच गया ना यही बहुत बड़ी बात है। तू टेंशन फ्री हो जा और ये ले दारू पी। उस आदमी ने मुझे पैसे क्यों दिए ये जानने के बाद भी कि मैं झूठ बोल रहा था। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। उसकी जगह कोई और होता तो मुझे बहुत मारता या फिर मुझे पुलिस के हवाले कर देता, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया और ऊपर से उसने मुझे पैसे भी दिए। आज के जमाने में कोई इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है। नहीं मुझे पता लगाना ही पड़ेगा कि आदमी कौन है। एक काम करता हूं कल उसी जगह पर जाके उसका पीछा करता हूं, देखता हूं कौन है ये। आप आ गए भैया? हाँ चलो। अच्छा बेटा सुनो, वो आदमी जो यहाँ पे था जो आपको पढ़ा रहा था वो कौन है? वो मेरे टीचर थे। अच्छा आपके स्कूल टीचर है, तो यहाँ पे क्यों पढ़ा रहे? स्कूल में नहीं पढ़ाते? मैं स्कूल नहीं जाती, मेरे पास फी भरने के लिए इतने सारे पैसे नहीं है। मेरे पास पापा नहीं है और मेरी माँ दूसरों के घर काम करने जाती है, उसमें कितने पैसे मिलेंगे? अब आप ही बताइए इसमें मैं स्कूल कैसे जाऊं? स्कूल जाना तो मेरे लिए एक सपना है। तो फिर वो टीचर? वो भैया वो बहुत अच्छे हैं। एक बार वो हमारे एरिया में अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ कुछ सोशल वर्क के लिए आए थे। जब उन्हें पता चला कि मैं स्कूल नहीं जाती लेकिन पढ़ना चाहती हूँ, तो वो अगले दिन से मुझे रोज शाम को पढ़ाने आने लगे। लेकिन आप उनके बारे में क्यों पूछ रहे हो? आप उनके दोस्त हो क्या? हाँ हाँ मैं उनका दोस्त हूँ। सुनो बेटा बिस्किट खा ले। थैंक यू।
इंसान कितना चलता है, थकता नहीं है? ओ हेलो, बे क्या माल है, देख तो सही। हाँ यार, कड़क तो है। मैडम थोड़ी हमसे भी बातें कर लीजिए। हमें अपना नंबर दे दीजिए, हम भी बात कर लेंगे। अरे मैं तो पूछ रहा था 300 नंबर की बस कितने बजे आएगी। थैंक यू, आप आ गए। ये लड़के मुझे कब से परेशान कर रहे थे। इन लोगों से डरने की क्या जरूरत है, आप इनको अपना सैंडल भी दिखा देते ना तो ऐसे ही भाग जाते डर के। फिर भी थैंक यू, इट्स ओके। सब जगह चल के जाता है ताकि पैसे बचा सके, जिम में जॉब करता है ताकि अपनी पढ़ाई और दूसरे खर्चे उठा सके, फिर भी अपने बचा हुए 50 रुपये उसने मुझे दे दिए, ये जानने के बावजूद कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। लोगों को मदद करता है, वो भी बिना किसी स्वार्थ के, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करता है, वो भी ईमानदारी से। और मैं सिर्फ बेईमानी करता हूँ, लोगों से झूठ बोलता हूँ, पैसे मांगता हूँ। जीवन ने हम दोनों को तकलीफें दी, लेकिन उसने प्यार और ईमानदारी को चुना और मैंने नफरत और बेईमानी को।
कौन हो तुम, क्या हो तुम? तुम्हें पता है मैं झूठ बोल के तुमसे पैसे मांगता हूँ, फिर भी हर बार तुम मुझे पैसे देते हो। क्या मिलता है तुम्हें ये सब करके? मैं भी यही जानना चाहता हूँ, क्या मिलता है तुम्हें ये सब कर? पैसा? वो तो तुम मेहनत करके भी कमा सकते हो, फिर ये सब क्यों? असल में तुम दूसरों से नहीं, रोज अपने आप से झूठ बोलते हो, बेईमानी करते हो। लेकिन तुम्हारे अंदर भी एक अच्छाई है, और वही अच्छाई तुम्हें मेरे पीछे यहाँ तक खींच के लाई है। मतलब तुम्हें? हाँ, मुझे पता है कि तुम मेरा पीछा कर रहे थे, और इसी अच्छाई की वजह से आज तुम मेरे सामने खड़े हो। और सोचो, तुमने अपनी इस अच्छाई को कभी खोजने की कोशिश भी नहीं की। खुद को खोजो, असल में तुम कौन हो? लेकिन मैं खुद की खोज कैसे करूं? योगी बनो, एक योगी की तरह अपना जीवन जीने की कोशिश करो, धीरे धीरे खुद जान जाओगे कि असल में तुम कौन हो। वैसे आज मेरे खुद की खोज की यात्रा पूरी हुई, क्योंकि मेरी वजह से आज तुम खुद की खोज की यात्रा शुरू करने जा रहे हो। अब अगर मुझे मौत भी आ गई तो कोई गम नहीं। रुको, तुम्हारा नाम क्या है? जिसकी वजह से मैं खुद की खोज शुरू करने जा रहा हूँ, उसका नाम तो मुझे पता होना चाहिए ना। खुद को खोजने के लिए जो तुम्हें बनना चाहिए, वही मेरा नाम है। खुद की खोज के लिए जो मुझे बनना चाहिए, वही मेरा नाम है। योगी बनो। योगी? योगी, योगी, योगी। हम सब बिना सोचे समझे अपना पूरा जीवन यूं ही बिता देते हैं। हम ये जानने की कोशिश भी नहीं करते कि एक इंसान के रूप में जन्म लेने का हमारा मकसद क्या है। खुद को खोजो, खुद को खोजो कि तुम असल में कौन हो, यही हमारे जीवन का असली उद्देश्य है।